नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं रत्नेश पांडे बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। पटना के रविवार की सुबह पटना में राजीव नगर इलाके में सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर चलने लगा है। जी हां, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आज सुबह अभी से कुछ देर पहले की घटना है, जब पटना के राजीव नगर इलाके में बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध निर्माण जो घरों का किए हैं, अवैध निर्माण जिस तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं उनके घरों पर सुबह सुबह बुलडोजर चल रहा है। लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच में जो तानातानी भी बनी हुई है, लोग वहां पे नहीं चाहते हैं कि उनका घर टूटे। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम जो है वो अपना बुलडोजर, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, JCB लेकर के पहुँचा हुआ है। कितनी संख्या में JCB वहाँ पे जा रही है और अब जो है राजीव नगर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के लोग मौजूद हैं वहाँ पे, नगर निगम का बुलडोजर वहाँ पे पहुँच रहा है, JCB पहुँच रहा है, और जिस वजह से लोगों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। ये घटना बीते दिनों भी हुआ था जब नगर निगम के कर्मी पहुँचे हुए थे JCB लेकर के अतिक्रमणकारियों पर, अवैध निर्माण पर, जो जिन्होंने घर बनवाया है उनके घरों को तोड़ा जा रहा था। लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच में जो है काफ़ी देर तक तानातानी रही, जिसके बाद प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग वहाँ से बेरंग लौटे और आज सुबह एक बार फिर से बुलडोजर चलने का काम वहाँ पे शुरू हो गया है। बता दें कि इनको नोटिस भी दिया गया था खाली करने को लेकर के, और ये मोहल्लेवासी जो थे वो डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद के पास भी गए थे, और तारकेश्वर प्रसाद ने भी कहा था कि हम जो है वहाँ के घरों को तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन आज सुबह सुबह ये घटना हो गई है। आप अपने स्क्रीन पे वो तस्वीरें देख पा रहे होंगे। राजीव नगर के नेपाली नगर में 20 एकड़ ज़मीन पर अधिग्रहण करने वाले भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची हुई है। राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके में स्थिति अभी तनावपूर्ण है। आधा दर्जन JCB के साथ CO सदर आवास बोर्ड के अधिकारी पहुंचे हैं। 20 एकड़ ज़मीन पर अधिग्रहण को लेकर के सदर CO ने वरीय पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया था, नोटिस दिया था। बीते डेढ़ माह पहले 90 से अधिक अवैध मकानों को हटाए जाने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद नेपाली नगर में रह रहे लोगों ने सड़क जाम किया था, विरोध प्रदर्शन भी किया था। पटना सदर कार्यालय में 20 एकड़ ज़मीन के लिए कई बार पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। सरकार के द्वारा किसान की ज़मीन जबरन कब्जा करने पर लोगों ने विरोध किया है। 20 एकड़ भूमि पर हाईकोर्ट के जज समेत अन्य भवन का निर्माण भी होना है। तो आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से राजीव नगर इलाके में आज सुबह सुबह बुलडोजर चल रहा है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, और इसको लेकर के तानातानी बनी हुई है, स्थितियां तनावपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। ये खबर ग्राउंड से हमारे सहयोगी चंदन तिवारी ने दिया है। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।